मेला खुशियों का, खुशियों की महक फैली है। After all, दिवाली आ चुकी है, जी हाँ, और जब दिवाली आ चुकी है तो खाने की बात कैसे ना हो। तो इस दिवाली को मिलकर हम सेलिब्रेट करेंगे न्यूट्रेला फूड तक के साथ। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं हमारे आज के दो कंटेस्टेंट से, जो आ चुके हैं यहाँ इस दिवाली को और खास बनाने के लिए और दिवाली में चार चांद लगाने के लिए। सो प्लीज वेलकम आवर फर्स्ट कंटेस्टेंट फॉर टुडे, मोनिका पटेल। मेरा नाम मोनिका पटेल है और मैं फूड ब्लॉगर हूँ, अपना फूड ब्लॉग चलाती हूँ पायरेट ऑफ किचन के नाम से। Hi Monica. Hi. How are you? I'm fine, perfectly fine. Good. Happy Diwali. Happy Diwali to you too and food tak. So how are you feeling? Kya lag raha hai aaj, kya hone wala hai? I'm excited and little bit of nervous. Mera reaction jab mujhe Nutrela Culinary Festival ke liye call aayi to bahut hi excited thi main. और मुझे बहुत मजा आता है इन सब चीजों में। So आप मिलना चाहेंगी अपने rival contestants से? Of course, why not? Please welcome our second contestant for today, Pooja Yadav. My name is Pooja Yadav. By profession, I'm a content writer, but I love cooking. Hi Pooja. Hello. How are you? Good. Happy Diwali. Happy Diwali to you too. Nutrela Culinary Festival के बारे में जब मुझे पता चला तो I was very much excited. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, I love cooking, तो मैंने सोचा ये कुछ नया है and I should definitely give a try. क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। So, आप तैयार हैं आज के इस कंपटीशन के लिए? बिल्कुल। बिल्कुल? जी। आ, कभी आपने एक्चुअली कुकिंग की है या किसी को शौकिया तौर पे इंटरेस्ट हो आप दोनों में से? मुझे तो बहुत है। बहुत इंटरेस्ट है, आप बनाती रहती हैं। जी। What about you, Monica? I am a food blogger. मेरा फूड ब्लॉग है पायरेट ऑफ किचन के नाम से और मैं हेल्दी रेसिपीज बनाती हूँ और टोटली हेल्दी रेसिपीज बनाती हूँ। साउंड्स गुड। सो क्योंकि आज फूड की दुनिया में हैं आप लोग एंड आप दोनों ही आई थिंक एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में, सो आज का कॉम्पिटिशन टफ होने वाला है, एज टू एज होने वाला है। सो तैयार हैं आप लोग? yes. जी। कर दे फिर शुरुआत। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप दोनों के साथ खेली जाएगी एक छोटी सी गेम। इस गेम को बहुत ध्यान से खेलिएगा क्योंकि इस गेम का जो भी विनर होगा उसे दी जाएगी एक स्पेशल पावर, एक स्पेशल एडवांटेज। इस एडवांटेज के चलते आप डिसाइड कर पाएंगे कि फाइनल राउंड में कौन पहले जाएगा और कौन बाद में। सो इट्स इम्पोर्टेंट। या शुरुआत करें फिर, रूल्स बता दिए जाए? बिल्कुल। गेम के रूल्स बहुत सिंपल हैं, आप दोनों के सामने पड़े हैं कुछ दिए। आपको दी जाएगी एक माचिस की तीली और जिसने भी एक माचिस की तीली से ज्यादा दिए जलाए शील बी द विनर। सिंपल, रूल्स क्लियर है? तो आप अपनी अपनी माचिस की तीलियां रेडी रखें। ऑन द काउंट ऑफ थ्री शुरुआत करते हैं। 3, 2, 1 गो 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 गो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी जल्दी कीजिए इससे पहले भुज जाए। जल्दी जल्दी जल्दी, यस गो फॉर इट। चलिए चलिए, ओके ऑल राइट। सो विद दिस आई थिंक दोनों ने पांचों दिए जला दिए हैं, बट एट द सेम टाइम मोनिका ने आपसे पहले किया है। सो वी हैव अ क्लियर कट विनर मोनिका, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मोनिका। तो इसी के साथ आपको मिलती है वो स्पेशल एडवांटेज जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। आप डिसाइड कर सकती हैं कि फाइनल राउंड में कौन पहले जाएगा और कौन बाद में। तो क्या है आपका डिसीजन? मैं चाहती हूँ कि पूजा पहले जाए। ओके पूजा, खुश हैं आप? जी, एडवांटेज है मेरे लिए। आपके लिए भी एडवांटेज है, तो चलिए गुड फॉर बोथ ऑफ यू। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं हम आज के इस एपिसोड के जज से। शी इज अ प्रोमिनेंट फूड ब्लॉगर एंड रन्स हर ओन ब्लॉग कॉल्ड एग्जॉटिक एंड इजी कुकिंग। शी इज ऑल्सो द एचआर हेड ऑफ आहा टैक्सीज। सो प्लीज वेलकम मीरा गिरधर। हाय मिनी। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। वेलकम टू न्यूट्रेला कल्नरी फेस्टिवल दिवाली स्पेशल। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू मिनी, आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू। सो क्योंकि आप आ चुकी हैं न्यूट्रेला की दुनिया में, ये है हमारे आज के दो कंटेस्टेंट्स मोनिका एंड पूजा। हाय मोनिका। हाय पूजा। हाउ आर यू? फाइन। विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। इन दोनों के लिए कोई टिप्स बिफोर वी बिगिन द फाइनल राउंड? आई थिंक वी आर हेयर फॉर विद न्यूट्रेला सोया जो कि हमारा मेन इन्ग्रीडियंट है एंड इट्स वेरी हेल्दी, बच्चों के लिए भी। मैं बहुत यूज़ करती हूँ अपनी हर कुकिंग में, सो आई विल विश कि आप लोग इसको अच्छे से यूज़ करें एंड गिव अ गुड रिजल्ट। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं फाइनल राउंड की। रेडी? श्योर। चलिए पहले मैं आपको इस गेम के रूल्स बता दूँ।
दोनों कंटेस्टेंट्स को दिए जाएंगे पूरे 30 मिनट और इनका आज का मेन इंग्रेडिएंट होगा न्यूट्रेला सोया। बजर बजते ही इनका समय हो जाएगा समाप्त। क्लियर है रूल्स? कर दे शुरुआत। एक्साइटेड, नर्वस? एक्साइटेड। एक्साइटेड, नर्वस कोई नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है। सो चलिए शुरुआत करते हैं ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1, गो। मेरा डिश था न्यूट्रेला सोया खजूर लड्डू, जिसको बनाने के लिए मैंने 1 teaspoon ऑफ घी डाला, उसमें पॉपिंस या फिर खसखस वो डाला। उसके बाद मैंने काजू, पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स डाले और उसको हल्का सा रोस्ट करके वापस से बाउल में खाली कर दिया। उसके बाद मैंने 1 teaspoon ऑफ घी लिया और न्यूट्रेला सोया, जो कि हमारा मेन इन्ग्रीडियंट था, उसे डाला। उसके बाद उसको हल्का सा रोस्ट किया, जिससे कि हल्का ब्राउन टेक्सचर उसमें आ गया। उसके बाद मैंने जो सारे ड्राई फ्रूट्स खाली कर रखे थे एक बाउल में, उसको वापस से उसमें डाला और उसके बाद उसमें खजूर ऐड किया और उसे थोड़ा सा रोस्ट किया। जैसे ही वो हल्का सा गर्म हो गया, उसे एक बाउल में खाली कर लिया। हाय पूजा। हेलो। सो आज आप क्या बना रहे हो? ये मैम लड्डू बना रही हूँ मैं न्यूट्रेला के साथ में। mm-hmm. और आप देख सकते हैं जैसे इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं मैंने, पिस्ता, काजू और इसको बाइंडिंग के लिए आपने क्या यूज़ किया है? खजूर डाला हुआ है मैंने। ओके। और वो थोड़ा ड्राई था, तो मैम क्या मैं इस पर हनी ऐड करूँ तो सही रहेगा? हाँ, आप देख लो, ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो बाइंडिंग के लिए आई थिंक आप हनी इसमें यूज़ कर सकते हो। बाकी लेट्स सी। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। जैसा कि अगर वो बन नहीं रहा था, तो मैंने उस पर 1 teaspoon ऑफ हनी ऐड की, जिससे कि वो अच्छे से बन जाए। उसका डो तैयार किया और उसमें से लड्डू बनाए। पूजा, आपके पास समय बहुत कम है, आप समय का ध्यान रखें। आखिरी 5 मिनट बचे हैं आपके पास, जल्दी जल्दी कीजिए। लास्ट 5 seconds टू गो पूजा। 5, 4, 3, 2, 1, दैट्स इट, टाइम्स अप। लास्ट के 5 seconds तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे बस कर देना है ये कैसे भी, क्योंकि मुझे जीतना था। तो लड्डू तो ऑलमोस्ट रेडी थे, बट गार्निशिंग के लिए टाइम लग रहा था, बट फटाफट कैसे भी गॉड ग्रेस मैंने कर लिया वो चीज। On the count of 3, 3, 2, 1, go! मैंने बनाया था न्यूट्रेला सोया मखाना बर्फी, जिसमें मेरे मेन इंग्रेडिएंट था न्यूट्रेला सोया। तो सबसे पहले मैंने मखानों को रोस्ट किया और उन्हें ग्राइंड करके एक बोल में ले लिया। उसके बाद मैंने अपने सारे सीड्स जो मैंने इस्तेमाल किए हैं उनको ड्राई रोस्ट किया और उनको भी एक पाउडर फॉर्म में मखानों के साथ मिक्स कर दिया। न्यूट्रेला सोया उसको घी में रोस्ट किया और सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने एक साथ मिक्स करके और घी डाला ताकि वो बाइंड हो सके। उसके ऊपर मैंने हनी डाला। हाय मोनिका। हाय शेफ। सो व्हाट्स यू आर मेकिंग टुडे? आई एम मेकिंग मखाना बर्फी विद ऑफ कोर्स सोया। राइट, सो व्हाट ऑल अदर इंग्रेडिएंट्स आर देयर? सो इट हैज गॉट लॉट ऑफ सीड्स। दिस बर्फी इज गोइंग टू बी पावर पैक्ड, प्रोटीन वाली, एकदम फुल ऑन प्रोटीन है इसमें। ग्रेट, सोया अपने आप में एक बिग प्रोटीन है। कैन आई टेस्ट दिस? प्लीज। इंग्रेडिएंट्स आर नाइस, बट आई थिंक थोड़ी सी स्वीटनेस अगर हम इसमें और ऐड करें तो। या, आई कैन एडजस्ट। हां, थोड़ी सी। ग्रेट गोइंग। थैंक यू। ओके, या। जब शेफ ने बताया आज जो डिश है उसमें हनी कम है या स्वीटनेस कम है, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई, बट देन मैंने उसमें और हनी इनकॉर्पोरेट किया।
मैंने उसे सेट होने के लिए रख दिया थोड़ी देर के लिए। लास्ट 5 seconds टू गो मोनिका, 5, 4, 3, 2, 1, दैट्स इट, टाइम्स अप। व्हेन आई गॉट टू नो कि मेरे पास 5 seconds रह गए हैं एंड मैंने जल्दी जल्दी पेसन अप किया, आई गॉट लिल नर्वस एट दैट टाइम, बट मैंने जल्दी जल्दी विद इन द टाइम कर लिया। दोनों ही डिशेस तैयार है, काफी इंटरेस्टिंग और काफी डिलीशियस लग रही हैं एंड आई एम रियली कीन टू नो ये है क्या। तो मोनिका आप बताएं पहले आपने क्या बनाया। दिस इज न्यूट्रेला सोया मखाना एंड सीड्स बर्फी। और पूजा आप? मैंने बनाया न्यूट्रेला सोया खजूर एंड ड्राई फ्रूट लड्डू। साउंड्स इंटरेस्टिंग अगेन, दोनों ही डिशेस टिपिकली दिवाली फील दे रही हैं, बहुत सारा मीठा मुझे नजर आ रहा है एंड आई एम ऑलरेडी वेरी टेम्प्टेड। तो ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए सीधा जज को बुला लिया जाए। सो वंस अगेन प्लीज वेलकम मीरा गिरधर। हाय मिनी। हाय शेफ, वेलकम बैक। या सो All the things are ready and it's looked so delicious and tempting. मेरे से रुका भी नहीं जा रहा, बिल्कुल दिवाली वाली फेस्टिव फील आ रही है। जी बिल्कुल, एक तरफ है न्यूट्रेला सोया मखाना बर्फी तो दूसरी तरफ है न्यूट्रेला सोया खजूर लड्डू एंड आई थिंक दोनों ही डिशेस काफी कम्पिटिटिव लग रही है, काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। इट्स गोइंग टू बी अ टफ कॉल। बहुत हेल्दी दिख रही है। आई थिंक दोनों में कंटेस्टेंट ने शुगर का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। सो इस दिवाली वी आर गोइंग टू हैव अ हेल्दी ट्रीट। Absolutely. मैं से रुका नहीं जा रहा, can I taste? Over to you, chef. So many, I have tasted both the recipes और दोनों ही अपने आप में लाजवाब हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि दोनों में शुगर का यूज बिल्कुल नहीं हुआ है, कंटेस्टेंट्स ने हमारे सब्स्टिट्यूट्स यूज किए हैं विच इज़ वेरी गुड। सो दिस दिवाली विल बी अ वेरी हेल्दी। सेकेंड इन्ग्रीडियंट जो इसमें सबसे बेस्ट है, जो कि प्रोटीन पैक है, दैट इज न्यूट्रेला सोया विच इज़ वेरी गुड। दोनों बराबर हैं बट एक पॉइंट मैं उस रेसिपी को ज़्यादा देना चाहूँगी जिसमें कि सीड्स का यूज़ हुआ हुआ है, पम्पकिन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स, जो कि आजकल हमारे बच्चे नहीं लेते हैं एंड विच इज़ वेरी गुड फॉर देयर डाइट। सो आई विल गो विद न्यूट्रेला सोया मखाना बर्फी। सो मोनिका, दिस टाइम यू आर अ विनर, बट पूजा योर्स वॉज ऑल्सो वेरी गुड। Absolutely, with this, Monica, congratulations! You have won the round and you are the clear-cut winner today. You have won both the rounds. So congratulations, Monica. ये Nutrela की तरफ से आपके लिए बहुत ही healthy और protein-filled hamper. Thank you. And of course, क्योंकि competition edge to edge था पूजा, ये Nutrela की तरफ से आपके लिए. Thank you so much. And thank you so much, Chef, for giving us your valuable time. Thanks. Thank you. So this was Nutrela Culinary Festival Diwali Special. We'll come back with another brand new episode. Some more masti, some more dhamal. Tab tak ke liye aap healthy khaye, muskurate rahe aur food tak ko subscribe karna na bhule. So happy, happy Diwali! Diwali.